जय शनिदेव। मैं गुरु रजनी शिशी शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ आपका आज का राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह गोचर और सितारे, चलिए प्रारंभ करते हैं आप आज के ग्रह गोचर से। जैसा कि आप जानते हैं ग्रह गोचर का मतलब आसमान में उपस्थित कौन सा ग्रह किस राशि में आज विचरण करेगा उसकी डिटेल्स होती है। तो आज कुछ परिवर्तन हुआ है ग्रह गोचर में। तो एक तो जो चंद्र देवता हैं जो वृश्चिक राशि में नीच के होकर विराजमान थे वो अब धनु राशि में आ गए, किंतु यहाँ केतु के साथ बैठने के कारण उनकी स्थिति खराब होगी क्योंकि केतु तो चंद्रमा का कट्टर दुश्मन है, क्योंकि केतु ऑलरेडी धनु राशि में वहां विराजमान है। यानी अब चंद्रमा और केतु दोनों ही धनु राशि में विराजमान हो गए। बात करते हैं मंगल की, तो मंगल अब मकर राशि में जहां वो उच्च के थे निकलकर शनि की दूसरी राशि यानी कुंभ राशि में जा चुके हैं। बाकी की जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो इस प्रकार से है। सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में विराजमान है, बुध देवता भी मेष राशि में विराजमान है, शुक्र देवता अपने घर में वृष राशि में विराजमान है, राहु महाराज मिथुन राशि में विराजमान है, केतु महाराज और चंद्र देवता धनु राशि में विराजमान है, बृहस्पति और शनि जो है जिसमें शनि अपने घर में और बृहस्पति नीच के होकर शनि के घर में विराजमान है, और मंगल देवता कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं। यहां आप लोगों को मैं एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि आप लोगों की बार बार की डिमांड पर हमने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसके द्वारा मुफ्त में आप अपना भविष्य जो भी परेशानियां उनका उपाय जान सकते हैं। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां मोबाइल ऐप का एक लिंक है, गूगल प्ले स्टोर से उस लिंक पर जाकर उसे डाउनलोड कर लें। और जिन लोगों ने अपडेट नहीं किया है तो अपडेट जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें लगातार उस मोबाइल ऐप में जोड़ी जा रही हैं आपके हित के लिए। तो उसे अपडेट करते रहें और वहां प्रिंस ऋषि का जो फॉर्म है उसे फिलअप करें। प्रिंस ऋषि अपने साधक असिस्टेंट और साधिका के साथ आपकी जो डिटेल्स आप हमें भेजते हैं भरकर उनको अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर आपको डायरेक्टली उपाय भेज दिए जाते हैं। तो आप उन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। फिर भी अगर आप वहां पर इस बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है, किंतु फिर भी अगर कोई हमें आपको लगता है कि उन उपायों को करने के लिए कोई कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप एक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर। तो प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077 तारीख 10 मई सन 2020 रविवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की तृतीया है वैशाख मास की। आसमान में शिवा नामक योग है और मूल नामक नक्षत्र उदय हो रखा है इस समय, जो अभिजीत मुहूर्त है यानी शुभ का समय जो किसी कार्य को करने के लिए होता है वो 11:53 से लेकर 12:41 तक रहेगा, जबकि जो राहु काल है वो 5:20 से लेकर शाम को 7:01 तक रहने वाला है। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी मदद की वजह से आज YouTube पर हमारे 12,80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। अगर आप में से जिस व्यक्ति ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन यानी घंटी का बटन अवश्य दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो न सिर्फ इसे लाइक करें बल्कि अपनी सनातन हिंदू धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसकी महत्व को जन जन को समझाने के लिए इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। और अगर आप मुझसे कुछ उम्मीद करते हैं, मैं आपसे मुझसे कुछ और जानने की अभिलाषा रखते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बता सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक ज्ञान की बात अवश्य कहना चाहूंगा। कल न्यूज में आ रहा था कि दिसंबर में ही कोरोना का जन्म हुआ, और ये बात तो हमने आपको जन्म कुंडली बनाकर
कोरोना के ऊपर हमने एक जो डिटेल दी थी, हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि 25 तारीख को शाम को 4:42 पर पहला संदेश आया, जब 6 ग्रह एक साथ इकट्ठे हुए, कि यहाँ पर कोरोना मौत का तांडव लेकर आ रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है मौत का तांडव लेकर। तत्पश्चात 2 घंटे बाद एक ऐसा संयोग, इन 6 ग्रहों ने आपस में संयोग किया, योग बनाया, और उसके बाद 7:12 पर 25 दिसंबर 2019 की बात कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट के रूप में, मतलब उन ग्रहों के आपसी संयोग के रूप में कोरोना नामक महामारी ने जन्म लिया। तो ये तो हमारे जो ऋषि मुनियों और संतों की जो खोज है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, ये तो उसके आधार पर बहुत आसानी से बताया जा सकता है। और अभी जो विपरीत ग्रहों का फिर से एक बार प्रभाव होने जा रहा है कि एक साथ 6 ग्रह वक्री होंगे, और आपको याद दिला दूं मैं वक्री ग्रह का तांडव, इसके ऊपर मेरी अलग अलग 3 वीडियो हैं, वक्री शनि का तांडव, वक्री बुध का तांडव, वक्री बृहस्पति का तांडव, जो अभी मैंने यूट्यूब पर पोस्ट किए हैं, आप उन्हें देखिएगा क्या क्या आपके जीवन में प्रभाव देने वाले। मगर ये 6 ग्रह जो एक साथ वक्री होंगे, और कितना प्रलय लाते हैं, आपको याद होगा ना, ये बाढ़ और तबाही जब जब आती है ये इसी कारण से आती है, जब ये 4-5 ग्रह इस एक साथ वक्री हो रहे होते हैं। तो 11 मई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं, 13 मई को शुक्रदेव वक्री हो रहे हैं, 14 मई को मंगल देवता वक्री हो रहे हैं, और उसके पश्चात बुध देवता वक्री होंगे, राहु केतु तो ऑलरेडी वक्री चलते ही चलते हैं हमेशा, तो इनका हाहाकार जो मचता है उस समय कोरोना के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या क्या ये गुल खिलाएंगे, बाढ़ और उस सब के साथ साथ कोरोना इसमें क्या गुल खिलाने वाला है। निश्चित ही आसार तो अच्छे नजर नहीं आते, भगवान सबका शुभ करें इस मंगल कामना के साथ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के राशिफल से। बात करते हैं कन्या राशि वाली व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाली व्यक्तियों, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि हालात में जो परिवर्तन आया है उसका असर भी आपको कुछ नेगेटिविटी देता हुआ नजर आ रहा है, जो ग्रह गोचर में थोड़ा परिवर्तन आया है, तो सबसे पहले परिवारजनों का साथ निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है, तो उनका आशीर्वाद लेते रहिए, आपके भाग्य में वृद्धि होती रहेगी, आप मजबूत होते रहेंगे। भाई बहनों की बात करते हैं तो भाई बहनों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है उनके साथ, कोई उनके स्वास्थ्य वगैरह की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें। माता के साथ की बात करते हैं तो माता के साथ उनका आशीर्वाद लेते रहें, निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो स्टूडेंट हैं, अगर माता का आशीर्वाद लेकर अगर स्टडी में बैठेंगे या फोकस करेंगे तो एडिशनल उनको बेनिफिट होगा उनका पढ़ाई लिखाई में, किंतु जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता, तो ऐसे स्टूडेंटों को मैं गारंटी से हर साल पिछली साल से ज्यादा नंबर दिलाने और उनका मन पढ़ाई लिखाई में लेने की गारंटी लेता हूँ। किंतु जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी के एग्जाम बार बार दे रहे हैं और सफल नहीं हो रहे, ऐसे युवक युवतियों से कहना चाहूंगा, ये तो कुंडली दिखाकर ये तो कम से कम पता करें कि आपकी जन्म कुंडली में कोई सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। अगर नहीं है योग तो आपको दूसरी डायरेक्शन में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों के द्वारा मजबूत किया जा सकता है। और अगर सरकारी नौकरी का योग है मगर कमजोर है तो उसे मजबूत करके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों से उसे मजबूत करके आपको सरकारी नौकरी का मजबूत दावेदार बनाकर उसकी क्यू में खड़ा किया जा सकता है। किंतु वो माँ बाप जो अपनी संतान की बदतमीजियों, अपमान करने या बेइज्जती होने के कारण दुखी है कि संतान उनकी बेइज्जती करती है, तो ऐसे आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली, और जन्म कुंडली नहीं तो अपना चेहरा दिखाकर अपनी इन सभी परेशानियों के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय यहाँ से भी प्राप्त करते हैं, हमारे यहाँ से आकर, या घर बैठे भी पूरी दुनिया में कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें। यहाँ मैं बात कर रहा हूं ऐसे युवक युवतियों की जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उम्र निकलती जा रही है, बाल सफेद पड़ने लगे हैं, तो ऐसे युवक युवतियों से जो बार बार शादी के रिश्तों में रिजेक्ट हो जाते हैं,
ऐसे युवक युवतियों से कहना चाहूंगा, आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो कॉल, फोन कॉल या ईमेल के द्वारा एक अपॉइंटमेंट बुक कराएं या पर्सनली आकर मिल सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय होते हैं, उनको करने से आप शीघ्र एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हम हर संभव प्रयास कर आपके जीवन में खुशियां लाएंगे। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो उनके संबंध में थोड़ी सी अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है, किंतु ससुराल पर से कोई शुभ समाचार निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है। भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। कार्यस्थल के हालात आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन ससुराल पक्ष से मिलती मदद के कारण शायद आपको अनुकूलता हासिल हो सकती। मेरा नाम जन्मंजय सिंह, मैं सियालबाग से आया हूँ। गुरु माँ ने मुझे यह अंगूठी पहनाई थी, मैंने यह अंगूठी पहना, मुझे काफी बहुत फर्क मिला है। मेरे को काम धाम में भी बहुत इसमें बहुत मदद मिला। मेरा मन बहुत साफ है, क्लियर रहता है, टेंशन भी नहीं रहती है इस चीज में। पहले 6-7 महीना पहले आया था, मेरा कुछ प्रॉब्लम था अपना घरेलू, तो मैंने गुरु माँ से कुछ सलाह बोला था इस चीज के बारे में। फिर मैं इसलिए दोबारा आया हूँ, मुझे अब कुछ बाकी था मेरा अंगूठी लेना, इस बात के लिए मैं आया हूँ दोबारा। और लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, आप भी विश्वास कीजिए और आइए गुरु जी के यहाँ, गुरु माँ के यहाँ पे आके आप अपना जो भी परेशानी है बताइए, उसका समाधान होगा जरूर 100%। विश्वास करने से विश्वास होता है, आप विश्वास कीजिए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके शत्रुओं की, जिनको आप जानते भी हैं, और कुछ शत्रु ऐसे हैं जिनको आप नहीं जानते, वो निरंतर आपका नुकसान पहुंचा रहे हैं। शायद उसके लिए वो यंत्र तंत्र पूजा पाठ भी करते हो या कराते हो। और अगर आपको वास्तव में ऐसा अनुभव होता है कि आपके खिलाफ ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं, या आपके परिवार के खिलाफ या आपके कार्यस्थल पर ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं, तो बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा इन शत्रुओं को इस प्रकार से बदवा दें और भयभीत कर दें कि वो आपको कभी परेशान ना कर सके। बात करते हैं आमंदनी की, तो आमंदनी के जो हालात हैं, निश्चित रूप से आपके माता का आशीर्वाद लेने से ही उनमें वृद्धि की संभावना होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ कन्या राशि वाले के प्रेम संबंधों के बारे में बात करें, तो कन्या राशि के प्रेम संबंध उनके मनो मुताबिक रहने की संभावना है, वो चाहे तो अपने प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो समय का फायदा उठाने का प्रयास करें। किंतु जो लोग प्रेम संबंधों में निराशा का अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो, या तो उनका कोई प्रेम संबंध उनसे उनके प्रेम संबंधों को कोई उनसे छीन रहा है, या उनके प्रेम संबंधों के बीच में कोई तीसरा आ गया है, या आपसी लड़ाई झगड़ों की वजह से प्रेम संबंध खराब होते जा रहे हैं, या जो अपने प्रेम संबंधों को शादी की तरफ कन्वर्ट करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा है, और लग रहा है कि प्रेम संबंधों का द एंड हो जाएगा, तो ऐसे सभी निराश युवक युवतियां बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो कॉल, फोन कॉल या पर्सनली मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें, ईमेल के द्वारा भी कर सकते हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय, जिसमें आपने कोई मुर्गा नहीं कटवाना है, बकरे की बलि नहीं देनी है, कोई उल्लू के नाम पर उल्लू नहीं बनना है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के इन उपायों से आप अपने जीवन में, अपने प्रेम संबंधों में खुशहाली ला सकते हैं। और अंत में मैं कन्या राशि वालों के आज की ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए उन्हें भी 5 में से 3 स्टार देता हूं। आज के लिए बस इतना ही, कल पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।